वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो ब्रायोफाइट्स हैं उनकी टेरिडोफाइट्स से क्या बंधुता है, रिसेम्बलेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स विद टेरिडोफाइट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स है इसके अंदर एक आद्य टेरिडोफाइट्स यानी एक पुराना कोई टेरिडोफाइट्स है जिसको हम साइलोफाइटलीज कहते हैं, एक प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स जिसको साइलोफाइटलीज बोला जाता है। इसके अंदर परण वे मूलहीन स्पोरोफाइट पाया जाता है, ये खुद स्पोरोफाइट होते हैं, साइलोफाइट्स फाइटलीज है। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइलोफाइटलीज है इसके अंदर जो भी प्लांट पाए जाएंगे उनके अंदर पर्ण और जो रूट है वो एब्सेंट होगी, और इसलिए इसकी तुलना ब्रायोफाइट्स के अंदर उपस्थित स्पोरोफाइट या बीजाणुभित से की जाती है। स्पोरोफाइट का मतलब यहाँ पे बीजाणुभित है। तो पहली समानता की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेरिडोफाइट्स के साइलोफाइटोलीज के अंदर जो बीजाणुभित प्रेजेंट रहते हैं वो ब्रायोफाइट्स के अंदर उपस्थित जो स्पोरोफाइट हैं उनसे समानता दिखाते हैं। साइलोफाइटोलीज जो गण है इसके अंदर कॉल्यूमेला युक्त बीजाणुधानियां जो होती हैं, बीजाणुधानियां उपस्थित होती हैं जो ब्रायोफाइट्स के अंदर उपस्थित जो मॉस हैं ब्रायोफाइट्स में उनके कैप्सूल से समानता दिखाते हैं या बिल्कुल उसी की तरह होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दोनों ही समूह के अंदर ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के अंदर पौधों के अंदर जो स्त्रीधानियां पाई जाती हैं, स्त्रीधानियां जो होती हैं और इनकी संरचना जो है वो समान होती है, स्त्रीधानियां उपस्थित रहेंगी और इनकी जो संरचना है वो समान होगी दोनों समूहों के अंदर समान होती है। अब एल्गी के अंदर इसको ओगोनियम बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में स्त्रीधानियां जो है उनको आर्किगोनियम बोला जाता है। इसके अंदर जो पूधानी पाई जाएगी जिसको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं, इनके चारों तरफ बंधे कोशिकाओं का अभाव होता है, जो सर्टाइल सेल्स हैं वो इसमें नहीं पाई जाती। तो बंधे कोशिकाओं का इसमें अभाव होता है। पूधानी के अंदर बनने वाले पुमनों जिनको हम एंथीरोजोइट्स बोलते हैं, एंथीरो
जॉइंट्स बोलते हैं, इनके अंदर केशाबिका जो होती है या फ्लैजिला वो उपस्थित होगी, या हम कह सकते हैं कि ये केशाबिक होते हैं, क्योंकि इसमें जो वाटर है वो निषेचन के लिए आवश्यक रहता है, इसलिए पुम्नों के अंदर केशाबिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ हम अगर बात करें क्यों इसके अंदर जल जो है, वाटर जो है, वो निषेचन के लिए आवश्यक है। दोनों में ही, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में जल जो है वो निषेचन के लिए आवश्यक है, इसलिए इनके जो एंथीरोजोइट्स हैं उसके अंदर केशाबिकाएं पाई जाती हैं। अब अगर हम बात करें दोनों ही ग्रुप्स के अंदर, अगर हम जो इनमें जाइगोट बनता है या हम कहें युग्मनज बनता है, इसमें विभाजन से भ्रूण का निर्माण या कहें भ्रूण का जो विकास है वो होता है। जबकि अगर हम एल्गी के अंदर देखें, जैसे कि हमने देखा जो एल्गी है इसमें भ्रूण निर्माण नहीं होता, जबकि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के अंदर देखें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो भ्रूण है उसका निर्माण होता है। इसलिए दोनों समूहों में हम देखते हैं कि विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, जो इसके अंदर पीढ़ी एकांतरण अल्टरेशन ऑफ जनरेशन पाया जाएगा वो विषम रूपी होगा, विषम रूपी होता है। विषम रूपी का मतलब जो दोनों जनरेशन होगी गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक वो देखने में डिफरेंट होंगी, उनको अलग अलग पहचाना जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।